लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश में कॉन्डम राजनीति अपने पूरे शबाब पर है। एक्स हैंडल पर वायरल हुए एक वीडियो में वाईएसआरसी की पार्टी का एक कॉन्डम पैकेट नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए टीडीपी और वाईएसआरसीपी कॉन्डम का सहारा ले रही है। दोनों प्रमुख पार्टियां जनता को अपनी पार्टी के प्रतीक चिन्ह वाले पैकेट वितरित कर रही है। वायरल हो रहे एक वीडियो में जब टीडीपी कार्यकर्ता से पूछा गया कि कॉन्डम क्यों बांटे जा रहे हैं, तो उसने जवाब दिया, अगर बहुत सारे बच्चे होंगे तो ज्यादा पैसे बांटने होंगे, इसलिए ये कॉन्डोम बांटे जा रहे हैं। कॉन्डम के पैकेट लोकसभा चुनाव के लिए घर घर अभियान चला रहे पार्टी नेताओं द्वारा जनता को बांटी गई किट का हिस्सा थे। हालांकि दोनों पार्टियों ने कॉन्डम बांटने के लिए एक दूसरे की आलोचना की, बावजूद इसके कि दोनों ने ऐसा ही किया। वाईएसआरसीपी ने एक्स पर टीडीपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पार्टी कितना नीचे गिरेगी। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने कहा, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए लोगों को कॉन्डम बांट रहे हैं, ये किस तरह का प्रचार पागलपन है, क्या वे आगे वायाग्रा देना शुरू कर देंगे, कम से कम वहां तो रुके। जवाब में टीडीपी ने वाईएसआरसीपी लोगों के साथ एक समान कॉन्डम पैक पोस्ट किया और पूछा कि क्या ये तैयारी सिद्धम है जिसके बारे में पार्टी बात कर रही थी। सिद्धम तेलुगु में जगनमोहन रेड्डी के राजनीतिक अभियानों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच सोशल मीडिया पर इस तरह की अनुचित और अपमानजनक आरोप प्रत्यारोप की जमकर आलोचना हो रही है। गौरतलब है कि ये वीडियो इस साल होने वाले महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले सामने आए हैं। टीडीपी और वाईएसआरसीपी राज्य में मुख्य राजनीतिक दल है, ऐसे में चुनावों से पहले राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए नए नए आइडिया लेकर आ रहे हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।